नमस्ते रेडियो व्यूवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉप टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक गैलवेनोमीटर्स के रिगार्डिंग देखिए इस टॉप टेन जो क्वेश्चंस है इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के रिगार्डिंग ओके okay? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है दैट इज फॉर अ मूविंग क्वाल गैलवेनोमीटर डैम्पिंग शुड बी क्या होना चाहिए आपको पता है ना कि एक मूविंग कोयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो डैम्पिंग है वो स्मॉल होना चाहिए क्यों स्मॉल होना चाहिए ताकि जो हमें डिफ्लेक्शन मिले वो लार्ज मिले ओके लार्ज डिफ्लेक्शन मिले इसके लिए डैम्पिंग को हम लोग क्या करते हैं स्मॉल रखते हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ द सेकेंड वन इज यहां देखिए यहां पर है कि इन अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अब आपको पता है कि एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस पर प्रोपोर्शनल होता है आपको सबसे पहले तो यहां पर फॉर्मूला देखना होगा कि चार्ज Q का जो फॉर्मूला होता है ये किससे इक्वल होता है ये इक्वल होता है सी बाई टी बाई टू पाई थीटा नोट से इक्वल होता है थीटा नॉट क्या है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का मतलब आप क्या देख पा रहे हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा नॉट पर तो इनवर्सली हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो डिफ्लेक्शन है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो चार्ज पर प्रोपोर्शनल होता है सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज ए ओके चार्ज जो है चार्ज इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नाउ द थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ बैलिस्टिक कॉन्सटेंट के आपको पता है बैलिस्टिक कॉन्सटेंट क्या होता है ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं सी बाई एन बी ए टी बाई टू पाई इसे कहते हैं बैलिस्टिक कॉन्स्टेंट और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि द वैल्यू ऑफ बैलिस्टिक कॉन्स्टेंट इज गिवन बाई किससे गिवन है सी बाई एन बी ए टू पाई बाई टी इससे मिला लीजिए ये फॉर्मूला है बैलिस्टिक कॉन्सटेंट का ओके तो सी बाई एन बी ए टी बाई टू पाई है, तो देखिए ये जो आंसर डी है ये करेक्ट है है, ओके, तो तो ये ये तीसरा क्वेश्चन 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 था, चलिए चौथा की तरफ चलते हैं, देखिए, देखिए, तो फोर्थ वाला आपके सामने हम लोग डेड बिट गैल्वेनोमीटर कब कहते हैं तो देखिए, किसी भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को आप डेड बीट तब कह सकते हैं जब उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये डेड बीट गैलवेनोमीटर का क्वाल है ठीक है तो ये क्वाइल जो है ना चोक हो जाता है चोक मतलब स्टक हो जाता है ये ऑसिलेट नहीं करता ये जैसे ही हिलता है ना वो बहुत क्विकली तुरंत अपने इनिशियल पोजिशन पर रेस्ट पोजिशन पर वापस आ जाता है तो इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है टाइम पीरियड वो बहुत स्मॉल होता है डेड बीट का जो सबसे पहला कंडीशन देखिए क्या है पीरियड पीरियोडिक टाइम ऑफ द क्वाइल शुड भी स्मॉल दिस इज ठीक है ये करेक्ट ऑप्शन है दूसरा क्या है डैम्पिंग शुड भी अभी देखिए डेड बीट के केस में जो डैम्पिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है बहुत हैवी डैम्पिंग होता है जिसके कारण वो ऑसोलेट ना करके अपने ही रेस्ट पोजिशन पर अपने ही रेस्ट पोजिशन पर बहुत क्विकली वापस आ जाता है सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि बहुत ए एंड बी ठीक है यहाँ पर ये करेक्ट है ऑप्शन ए एंड बी ना फिफ्थ वन क्या है फिगर ऑफ मेरिट इज़ फिगर ऑफ़ मेरिट क्या होता है तो हम लोगों ने लिखा है रसी प्रोकोल ऑफ चार्ज सेंसिटिविटी बी क्या है रसीप्रोकॉल ऑफ करेंट सेंसिटिविटी तो भाई हमें तो पता है ना कि जो फिगर ऑफ मेरिट है दैट इज़ एफ ओ एम ये क्यू बाई थीटा नॉट से भी इक्वल होता है और आई बाई थीटा नॉट से भी इक्वल होता है थीटा नॉट क्या है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई करेंट को तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ए और बी ये दोनों करेक्ट है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट जो है ना चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी इन दोनों के प्रोकल से इक्वल होता है Now, वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ टी इज द द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग ऑफ द क्वाइल देन रेशियो ऑफ चार्ज सेंसिटिविटी टू द करंट सेंसिटिविटी इज देखिए हमारे पास कह रहा है कि भैया आपके पास टाइम पीरियड जो है देख लीजिए ये गिवन है टी अब आप हमको ये बताइए ये कि चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा तो आपको पता है ना कि जो चार्ज सेंसिटिविटी है ये किससे इक्वल है ये इक्वल होता है आपका एन बी ए बाई सी ठीक है डॉट टू पाई बाई टी से इक्वल होता है लेकिन वहीं करंट सेंसिटिविटी का बात करें तो जो करंट सेंसिटिविटी है ये जनरली आपका इक्वल होता है एन बी ए बाई सी से आप अगर इन दोनों को कैंसिल कर देते हो तो आपके पास बचता क्या है टू पाई बाई टी बचता है ओके okay? करेक्ट आंसर इज सी सॉरी बी करेक्ट आंसर इज बी ओके ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दट इज द बी अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या है तो ये रहा आपके सामने हमारे हमने क्वेश्चन नंबर सेवन क्या लिखा है देखिए कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ बी जी डेट इज बैलेस्टिकोमेटर इज वेरी लास्ट ड्यू टू देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का वो इतना लार्ज क्यों होता है क्योंकि आपको पता है ना कि किसी भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो चार्ज है वो पूरा पास कर जाता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में तब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इतना लार्ज क्यों है तो देखिए इसका दो कारण है सबसे पहला कारण तो ये है कि जो टॉशनल रेजिडिटी होता है आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है आई बाई सी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्वाइल का और सी टॉशनल रिजिडिटी होता है तो टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और टी जो है टी क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर टॉशनल रिजिडिटी पर आप ऐसा भी कह सकते हैं टॉशनल कॉन्स्टेंट पर तो अगर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर ये ज़्यादा हुआ और टॉशनल रिजिलिटी कम हुआ तो इस केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा दिया हुआ है कि स्मॉल टॉशनल कॉन्स्टेंट एंड लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक दूसरा है कि लार्ज टॉसनल कॉन्स्टेंट एंड स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक फिर दिया नॉन कन्डक्टिव फ्रेम एंड नॉन ऑफ दाइवर देखिए इस केस को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हमने क्या कहा कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो ठीक लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्योंकि ये इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड किस पर टॉशनल कांस्टेंट पर तो अगर ये टॉशनल कांस्टेंट कम होगा तभी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा इसलिए ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट है दैट इज स्मॉल टॉशनल कांस्टेंट एंड लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके नाउ द एथ क्वेश्चन इज ये आपके सामने दैट इज अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर अब आपको पता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या यूज आ, क्या मेजर करता है आपको पता है चार्ज जनरली सिंपली वो चार्ज मेजर करता है कि भाई Uh, कितना चार्ज जो है वहाँ से पास हो रहा है क्योंकि एक स्पेशल डिवाइस है स्पेशल टाइप का गैल्वेनोमीटर है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मेजर करता है मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में चार्ज वहाँ से पास हो जाता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए क्योंकि टेन क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन ओके क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो ये है कि इफ अ गैल्वेनोमीटर को दैट इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को ओके रिटर्न्स टू इट्स रेस्ट पोजिशन क्विकली विदाउट मेकिंग एनी ऑसोलेशन इज कॉल्ड अब आपको तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब भी किसी भी बैलिस्टिक गल्विनोमीटर का कॉल बिना किसी ऑसोलेशन के अपने ही स्थिर पोजिशन पर इनिशियल पोजिशन पर तुरंत आ जाए क्विकली बिना किसी ऑसोलेशन के उसके इसमें डैम्पिंग हैवी होता है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन कम होता है और उसको कहते हैं डेडबिट गैलविनोमीटर ठीक है तो डेडबिट बिट ऑप्शन में है देखिए सबसे पहला मूविंग क्वाइल फिर डेड बीट फिर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर नन ऑफ दिस तो ये जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है दिस इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्वाइल ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज वेड होने आपको पता है नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर ही होता है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग फ्रेम से डैम्पिंग थोड़ा सा कम होता है बट उतना कम नहीं होता है रियलिटी में प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वहाँ पर डैम्पिंग मौजूद होता है सो द क्वाइल ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज वेड ऑन अ कंडक्टिंग फ्रेम नॉन कंडक्टिंग फ्रिंग बोथ एंड बी एन नॉन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा बी दैट इज नॉन कंडक्टिंग फ्रेम तो देखिए हम लोगों ने अभी तक पूरे चैनल में ये सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कुछ सीरीज लिया है तो इसके आगे जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेते रहेंगे तो आशा है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा ओके अगर आपने बैलिस्टिक एल्विनोमीटर इससे पहले कभी पढ़ा भी है तो आपका एक छोटा सा रिविजन हुआ होगा इन सारे स्मॉल क्वेश्चन से ठीक है बहुत okay, तो छोटे से छोटे क्वेश्चन ये ओके तो चलिए आपसे जो है अगली वीडियो मिलेगा और वहाँ पर हम लोग कुछ और डिफरेंट टॉपिक पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे